जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं में महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। लियोनेल मेसी ने फीफा बैलन द्योर पुरस्कार जीता। कुल्लू का नाटी लोक नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल। 73वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा। बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के सीईओ नियुक्त। आईसीसी द्वारा मनीग्राम इंटरनेशनल को इवेंट पार्टनर बनाने की घोषणा। 11वां विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी 2016 मनाया गया। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक आजाद बचपन की ओर का लोकार्पण। सानिया मिर्जा एवं मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रिस्बेन टेनिस ट्रॉफी जीती। सेंसर बोर्ड पैनल में गौतम घोष और कमल हासन शामिल। अभिनेता राजेश विवेक का निधन। फीफा ने महासचिव जेरोम वाल्के को बर्खास्त किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ई गवर्नेंस 2015-16 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। केरल 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। रोहित शर्मा पर्थ के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर ने डार्क मैटर की पहचान के लिए ग्लैक्टोसेसमिक विधि विकसित की। करंट अफेयर्स विस्तार से। लियोनेल मेसी ने फीफा बैलन द्योर पुरस्कार जीता। उन्होंने 3 बार इस पुरस्कार के विजेता रह चुके रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार को पीछे छोड़ दिया। मेसी ने इससे पहले वर्ष 2009 से 2012 तक लगातार 4 बार यह पुरस्कार हासिल किया है। इस पुरस्कार को पहले फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। कुल्लू का नाटी लोक नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान 26 अक्टूबर 2015 को प्राइड ऑफ कुल्लू के अंतर्गत बेटी बचाओ थीम पर एक साथ 9,892 महिलाओं ने भाग लिया था। इस लोक नृत्य को सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। इस लोक नृत्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान मिल चुका है। 73वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लियोनार्डो डिकैप्रियो को द रेवेनेंट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड द रेवेनेंट के नाम रहा। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का सम्मान एलेक्जेंड्रो इनारितु को रेवेनेंट फिल्म के लिए दिया गया। द मार्शियन को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए चुना गया है। बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के सीईओ नियुक्त। पूर्व सीईओ और को फाउंडर सचिन बंसल को कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद सौंपा गया है। विदित हो कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत वर्ष 2007 में सचिन और बिन्नी बंसल ने की थी। शुरुआत में अमेज़न की तरह फ्लिपकार्ट पर भी सिर्फ किताबें बेची जाती थी। वर्ष 2010 तक यह कंपनी देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक हो गई। आईसीसी द्वारा मनीग्राम इंटरनेशनल को इवेंट पार्टनर बनाने की घोषणा। आईसीसी और मनीग्राम के मध्य यह समझौता 8 वर्षों के लिए किया गया है। आईसीसी और मनीग्राम ने वर्ष 2015 में अपनी 5 वर्ष पुरानी साझेदारी पूरी की है। 8 वर्षों की इस साझेदारी में 2 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सहित कुल 17 टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। मनीग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कंपनी है जिसका मुख्यालय टेक्सास यूएस में है। 11वां विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी 2016 को मनाया गया। यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। यह 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस का ही एक भाग है। विश्व हिंदी दिवस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक आजाद बचपन की ओर का लोकार्पण।
कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक आजाद बचपन की ओर का लोकार्पण नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इस पुस्तक का लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र द्वारा किया गया। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित यह पुस्तक सत्यार्थी के चुनिंदा लेखों का संग्रह है। सानिया मिर्जा एवं मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रिस्बेन टेनिस ट्रॉफी जीती। ब्रिस्बेन में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत और स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी ने जर्मनी के अंजेलिक कर्बर एवं एंड्रिया पेटकोविक को 7-5, 6-1 से हराया। इस जोड़ी ने इससे पहले यूएस ओपन, ग्वांगजू, वुहान, बीजिंग और WTA फाइनल्स के खिताब जीते थे। सानिया हिंगिस की यह एक साथ लगातार 26वीं जीत है। सेंसर बोर्ड पैनल में गौतम घोष और कमल हासन शामिल। इस पैनल की अध्यक्षता श्याम बेनेगल करेंगे। सेंसर बोर्ड में पैदा हुए विवादों पर नजर रखने और उनके निपटारे के लिए सरकार ने 1 जनवरी को पैनल का गठन किया था। इस पैनल के अन्य सदस्यों के रूप में कमल हासन, श्री घोष और फिल्मकार शाजी करुण शामिल किए गए हैं। अभिनेता राजेश विवेक का निधन। वे फिल्म लगान और स्वदेश में निभाए अपने किरदारों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर की पढ़ाई की। उन्होंने टीवी धारावाहिक महाभारत, भारत एक खोज और अघोरी में भी काम किया था। फीफा ने महासचिव जेरोम वाल्के को बर्खास्त किया। उनके स्थान पर मार्कस कटनर महासचिव पद पर बने रहेंगे। वाल्के पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विश्व कप 2014 की टिकटों की कालाबाजारी से संबंधित योजना में मदद की थी। उनके खिलाफ औपचारिक न्यायिक कार्यवाही 7 जनवरी 2016 को आरंभ की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ई गवर्नेंस 2015-16 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यह पुरस्कार 22 जनवरी 2016 को नागपुर में आयोजित होने वाले ई गवर्नेंस के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान करेगा। ईपीएफओ ने यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग श्रेणी में जीता है। सेवानिवृत्ति निकाय को 2,00,000 रुपयों का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो UNEPFO द्वारा जुलाई 2014 में शुरू किया गया ई पहल है। केरल 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की। केरल द्वारा उपरोक्त लक्ष्य राज्य को साक्षरता मिशन अतुल्यरम के जरिए हासिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को मौका दिया गया जो विभिन्न कारणों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में असफल रहे। रोहित शर्मा पर्थ के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में 12 जनवरी 2016 को रोहित शर्मा ने 122 गेंदों में सेंचुरी लगाई। इससे पहले कोई भी इंडियन क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच में पर्थ में सेंचुरी नहीं लगा पाया है। रोहित ने वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स का 153 रन का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित ने 163 गेंदों की अपनी पारी के दौरान 13 चौके और 7 छक्के जड़े। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर ने डार्क मैटर की पहचान के लिए ग्लैक्टोसेसेमिक विधि विकसित की। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सुकन्या चक्रवर्ती के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने डार्क मैटर की प्रधानता वाली छोटी आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए एक नई विधि ग्लैक्टोसेसेमोलॉजी विकसित की है। इस विधि की जानकारी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स को दे दिया गया है। खोजी गई विधि आकाश गंगाओं की आंतरिक संरचनाओं और द्रव्यमान का मानचित्र बनाने के लिए गैलेक्टिक डिस्क पर तरंगों का उपयोग करती है।
करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।